कारोबार लगवाते पब्लिक को, तब तो रोजगार मिलता, ऐसा क्या रोजगार मिल गया आप? वो सोरिया उसके तमंचर के जान रखल गया, मतलब हमारे 10 है तो 17 लाख तो उन्हें मिल गया है। हेल्पी मनी में होंगे तो हमारे बच्चे भी लग जाएंगे, हम लोग भी लग जाएंगे। जो भाजपा सहयोग कर रही है पब्लिक के लिए वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम लोग यादव है, पर यादव है बीजेपी हमारे। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय धनी, डाउनलोड नाउ। साहब वैसे सब कुछ सोचा, मगर ये देखिए किसान के लिए क्या सोचा बताइए। भाजपा तो दे रही है किसानों को, अरे देंगे तो सभी, ऐसा कौन जो ना देगा, जरा सबको ही है ना। जो भाजपा सहयोग कर रही है पब्लिक के लिए वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और को नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है भाजपा ही जीतेगी? भाजपा ही जीतेगी, गुंडागर्दी कितनी थी ये नहीं देख रहे, गुंडागर्दी और क्या। किसान भैंस ने बेचारे ने गाय भैंस लोन पे ले ली, वो सोरिया उसके तमंचर के जान खुल गया, अब तो आराम सोरिया किसान परेशानी तो नहीं पड़ रही है। गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई। अच्छा, हम तो करीब के आदमी है, रामपुर के करीब के ही, हम तो जाते हैं मुसलमान साले साइकिल छीनते हैं, कुछ कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, सारी खत्म हो गई इस सरकार में। बहुत बड़ा काम है, झगड़े बंद हो गए, लड़ाई नहीं, बहुत बड़ा काम है। लोग ये गुंडागर्दी बंद हुई है, बहुत बड़ा काम है कि रास्ता रोकेंगे नहीं रोकेंगे, अगर साइकिल किसी पच्चीस टच हो जाती थी तो पिटवा देते, अब कोई नहीं मारता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा ऐसा भी सरकार ने चल जाए, बिल्डर वाले चल जाए, बिल्डर मकान टूट जाएगा, कोई नहीं बोलता। ऐसा तो बीजेपी है। अच्छा, बस भैया जीतेंगे इस बार, ऐसा हम लोग यादव है, पर यादव है बीजेपी हमारे। तो वैसे समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, क्या कहा जाता है? उससे कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट तो हमारा, मतलब वो यादव नहीं है हमारा, यहाँ का यहाँ हमारे यादव भी कैंडिडेट लाया कोई, तो भी तुम जाने कि यादव को टिकट दिया आज तक? हाँ, कोई यादव को पद दिया यहाँ तक रामपुर जिले में? कुछ नहीं मिला यादव, यहाँ पे गिनती कभी यादव की रामपुर जिले में? अच्छा, कोई गिनती नहीं रामपुर जिले में? गलती मुसलमान करते हैं, बैठते हिंदू। अच्छा, यादव कई बार ये देखा, हमारी कोई परेशानी है हमारी भैया जा कह तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, वहाँ हमारी क्या पावर थी? हमारा जो यादव है वो वहाँ माधव का पहुँच सकते हैं, पहुँच नहीं पाते, उनकी फैक्ट्री भी हमारा घर, उनका एक समझ लो गाँव है, इस तरीके से रहते हैं भैया। हमारा कोई गाँव का कोई बच्चा भी जाएगा, कोई परेशानी है उनसे नमस्कार करके काम करा देंगे, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं बताइए? हमारे भैया तो वहाँ है ना दिल्ली में, यहाँ थोड़ी है, वहाँ कैसे पहुँच सकता है यादव? यादव रहते कहाँ पे है? यादव होते कहाँ पे है? उनको जानती नहीं, खाली अपने मुस्लिम भाई जानती है। लोग कह रहे हैं कि सपा ने विकास किया है और रामपुर में जितना विकास आप देख रहे हैं वो सब सपा की विकास क्या कर रहा है, क्या क्या विकास कर दिया है? लगवाई सड़कें बनवाई है, सड़कों पर रोजगार मिली आदमी को। अरे यार फैक्ट्री निकलवाते कहीं ना कहीं, फैक्ट्री अच्छी सरकार रही थी, फैक्ट्री कहीं को खुलवाते उसके लिए रोजगार मिलता गरीबों को, कुछ सड़क पर चलने रोजगार मिल जाएगा। बताओ क्या विकास करा है? ये विकास है अरे भाई, इन्हीं बैठी अपने कब दाम में करी सब कुछ अपना करा, पब्लिक को क्या मिला उसमें? सब रोजगार मिल दिया पब्लिक को, अब रोजगार क्या मिल गया? रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है नहीं है, बताइए पब्लिक को क्या रोजगार मिल गया है? रोड वगैरह निकलवा दिया आदम भाई, रोजगार नहीं है तो क्या रोजगार है? रोड पर चलने रोजगार मिल गया आदमी को, अरे कहीं फैक्ट्री खुलवाते कहीं कारोबार लगवाते पब्लिक को, तब तो रोजगार मिलता, ऐसा क्या रोजगार मिल गया आप पब्लिक को? हाथ पाथ रख के बैठे हुए वृक्षा चल रही है, क्या मतलब वो चल रही है बस जगह जगह साहब रिक्शा बांटी साइकिल बांटी, उससे क्या हो रहा है? आजम खान का अभी बयान आया, उन्होंने कहा कि आपके दरवाजे पे भेड़िए खड़े हैं तो क्या करेंगे आप, मार देंगे या फिर भगा देंगे, घुसने देंगे घर में, क्या करेंगे? सब भेड़िए हमारे दरवाजे पे है नहीं खड़े हुए, आजम खान कह रहे थे वो तो गलत कह रहे हैं, उनका सवाल है। मैं तो पहले लाइफ टाइम में देखा था, ये जो आप जो कह रहे हैं भेड़िए वाली बात देखी थी, देखी थी आपने? हाँ देखी थी, भेड़ी है कह रहे थे, मतलब उनकी नजर में है, मंदिर में भेड़ी नहीं है। अच्छा, मंदिर में तो समाज पर मतलब बीजेपी जो भी काम कर रही है, कार्य कर रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है। अरे क्या चाहिए पब्लिक को? गल्ला दो बार मिल गया पब्लिक को महीने में, अरे गरीब को क्या चाहिए? दो रोटी चाहिए, दो हजार गरीब को खाते मार रहे हैं, अब किसी में आ रहा है नहीं आ रहा, वो अपनी गलती से नहीं आ रहे हैं। गलती से क्या यार, बेईमानों को माफ हो, ईमानदारी को वालों को। और इसमें गरीबों को मतलब ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम देख रही है, सबको एक समान दे रही है। अब आप तो जानते हो कंट्री मतलब जो हिंदुओं के हैं वो वोट चार यूनिट छः है, मुसलमानों को 10 है, तो 17 लाख तो उन्हें मिल गया है इस सरकार में, हम वहीं मिल गया है, हिंदू को मिल गया, उन्हें ज्यादा मिल गया, फिर भी मतलब उनको मतलब बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब, क्या बीजेपी खराब है बताओ? बीजेपी उनको अच्छी नहीं हुई, सबको समाज बराबर दे रही है बीजेपी, पर फिर भी बीजेपी को लोग इस बार तो मुसलमान भी साथ में आ रहे हैं भाजपा के? नहीं नहीं आ रहे, आ रहे, अच्छी बात है, अच्छी बात आते हैं। अभी अभी कुछ लोग शामिल हुए हैं, कुछ बड़े नेता शामिल हुए हैं, बड़े नेता कुछ शामिल हुए हैं, क्या लगता है इससे भी प्रभाव पड़ेगा कुछ जी? क्यों नहीं,
एक सीट अगर निकल भी जाएगी चाहे हार भी जाएगी सरकार तो गिर नहीं जाएगी समाजवादी बीजेपी की, सरकार तो नहीं रहेगी बीजेपी की। इसलिए हम सबको विचार यही है, एकजुट हो गए, ये सरकार इस बार बीजेपी निकाली दो रामपुर से, जो 50 साल से नहीं निकली है सीट, यहाँ निकल जाए रामपुर में, इस बार बदलाव हो जाए तो बदलाव हो ही जाना चाहिए। अच्छा क्यों बदलाव क्यों होना चाहिए? बदलाव यूँ होना चाहिए। किस चीज का बदलाव होना चाहिए? मतलब हमें जो चीज जो है, सरकार तो आ ही रही है, बीजेपी की चल ही रही है, केंद्र में भी चल रही है, यूपी में भी चल रही है, दोनों जगह चल रही है, दोनों जगह चल रही है ना, चल रही है ना। तो मतलब यहाँ समाजवादी आने से भी कोई फायदा नहीं है। और अगर भाजपा आएगी तो फायदा मिलेगा? भाजपा आएगी तो फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, रोजगार मिलेगा लोगों को, इतना ही बहुत है जो रोजगार मिल रहा है गरीब। क्या लगता है आपको किस तरीके के रोजगार भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो करेगी, किस तरीके के रोजगार यहाँ पे पैदा कर सकते हैं? तो सर अब वो कोई फैक्ट्री खुलवा दें पब्लिक के लिए तो रोजगार कुछ मिल ही जाएगा, या कोई कारोबार और भी बहुत सारे कारोबार हैं, इसके पास रोजगार मिलता है पब्लिक को, क्या मिलेगा गरीबों को? अब जो कोई रोड वगैरह निकलवा रहे हैं या कहीं बेहतर काम करा रहे हैं उससे क्या रोजगार मिल जाए? उससे तो जो सरकारी का अधिकारी वही काम कराते हैं उस पर तो रोजगार तो नहीं मिलेगा जब कोई फैक्ट्री लगेंगी। अब हनी भाई कह रहे थे साहब हमने दो फैक्ट्रियाँ खुलवा रखी हैं छोटी मोटी जो भी है, तो हमारे गांव विकास वाले गांव वाले जो भी आदमी लगे हुए हैं 10-20-50-100 उस पर रोजगार मिल गया है, हम तो उन्हीं की घोषणा करेंगे। अब वो कह रहे हैं अगर हम बन जाते हैं तो हमारी जो भी तो सरकार पहुँचेगी, मतलब बात पहुँचेगी, तो हम और भी कारोबार खुलवा देंगे पब्लिक के लिए अपनी, इससे आगे खुलवा देंगे तो कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा पब्लिक को। लोग कह रहे हैं कि अगर आकाश सक्सेना जीतते हैं तो कैबिनेट मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, तो अगर कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? सर वो तो नहीं पता वो क्या लाभ देता होंगे, इस बारे में हम नहीं कह सकते कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे नहीं बन पाएंगे, पर ये हमारे तो विचार ये निकल जाए देंगे गाँव में काजगारों के लिए, जब देखेंगे कि भाई हमारा है गांव है, हमारे किसान हैं, अगर एक फैक्ट्री बनती है, एक फैक्ट्री में बनने में हमारे 100-200 लोग लगेंगे तो उनके बच्चे भी पलेंगे, उनको दुआ भी देंगे, जो होगा उनके बनने में। अब जो थोड़ी साहब रोडों को चिकना करा रोड पर थोड़ी आ रहा है, कैसे घर काजगार के लिए तो अपना काम चाहिए बेचारे को, ज़्यादा होगा कुछ लोग परेशानी है भैया जाके नमस्कार करके अपना वैसा काम करा लेगा, फैक्ट्री बनी हुई होंगी तो हमारे बच्चे भी लग जाएंगे, हम लोग भी लग जाएंगे उसमें, इससे हमारी सुविधा हो जाएगी। गरीब को रोटी चाहिए जी, और क्या चाहिए बताइए, सड़क नहीं चाहिए, सड़क क्या काम हो सर, सड़क क्या काम, कच्चे में निकल जाएंगे और क्या होगा, पर रोजगार तो मिलना चाहिए पब्लिक को। बेचारे हमारे मोदी जी ने जब योगी ने जो यूपी में करा है गरीबों के लिए किताब राशन मुक्त किया है, तो उससे मतलब पब्लिक पल तो रही है ना, अब अपना 4 पैसे कमा के और सामान ले आती है, गल्ला फ्री मिल जाता है दोनों बार, तो कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए, उस सरकार में कोई मतलब ही नहीं है, 2000 रुपये मिल रहा है और उसमें कोई मतलब ही नहीं था। तो जैसा कि आपने देखा कि रामपुर के गांवों का भी हमने सर्वे किया, लोग गांवों में क्या कहते हैं, और गाँव की जनता जो है वो चाहती है कि उन्हें रोजगार मिले, वो विकास जो हुआ है वो ठीक है, सड़कें ठीक हैं लेकिन सड़कें खाने को नहीं देती, ऐसा गाँव वालों का कहना है। और उम्मीद है कि इस बार रामपुर में बदलाव हो सकता है, हालांकि क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। फिलहाल जब तक आप देखते रहिए क्या ये न्यूज़, इस पर हम बराबर आपको चुनाव के परिणाम भी घोषित करेंगे, और चुनाव के परिणाम आपके पास तक आए इसके लिए आपको KIA को फॉलो करना पड़ेगा। फेसबुक पर जाइए KIA न्यूज़ सर्च कीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर जाइए KIA न्यूज़ सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चुनाव के परिणाम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक सबसे तेज मिल सके। धन्यवाद।